बताएं क्या आप कांग्रेस के जो कार्यकाल है और क्षेत्र के विधायक से क्या आप लोग संतुष्ट हैं? क्या क्षेत्र में विकास कोई संतुष्ट नहीं है भैया? वहाँ का है बताऊं? ये तो राजनीति के मामलों में बहुत लड़ाई झगड़ा बहुत होते हमारे गाँव डहन में। हाँ, मतलब दो तीन साल भर से मतलब ये नाराज हो काबर की मोर घर हमारा मतलब ग्राम पंचायत से मतलब विधायक है ओकर से हमन नाराज हन। कौन है विधायक? विधायक धनेन्द्र साहू है। और कहे हमन यहाँ ना जगह ही से मतलब मोर घर के पीछे में एक गली रे, गली में नजायज टाइप से घर बना थे उकर खुद जगह में भाई बंटवारा में वो मतलब आबादी मिल गए कल छोड़ के जाना है चक्कर के लेकिन नहीं हो पा था। का काम करा है विधायक? अब का काम करा है भाई ये नरवा घुरवा बाड़ी वाड़ी सब आप जानते हो लेकिन इनमें कोई उपयोग नहीं है। इनमें का है गाय तो रहे नहीं, गाय हाथ खुला चरते हमारे गांव में ऐसे है 25-30 ठन गाय लेना ऐसे इकट्ठा करके ले गए रहे मतलब एक जगह वो ला रहे हैं धान के नुकसान कर रहे करके तो का हुई से उन्हें गांव के सरपंच कहानी मत बताओ का काम हो चला बताओ। काम तो कुछ नहीं हो रहे भाई। भूपेश सरकार से आप मन संतुष्ट हो? नहीं है भाई संतुष्ट नहीं है। किसान मन बोनस के हाथ हुई तो हाथ हुई रही मन के हमारे मन के कुछ आना नहीं है भाई। बेरोजगारी भत्ता वगैरह मिला था आप मन? कुछ नहीं मिला था, कुछ नहीं मिला था, कावन नहीं मिला थे वही थे तू मन ये नहीं करा वो नहीं करा भी कैसे कैसे करा थे। आओ अब कुछ नहीं है भाई यही बात है। देव कुमार निर्मल का नाम है। कांग्रेस के 5 साल और क्षेत्र के विधायक के बारे में क्या कहना चाहूँ आप मन? वैसे तो क्षेत्रीय विधायक कुछ काम भी नहीं करे हैं। हाँ हाँ कौन मैं डूंगी रहता हूँ। हाँ हाँ अभनपुर थाना क्षेत्र से। हाँ हाँ लेकिन विधायक धनेन्द्र साहू कुछ काम नहीं किया अभी तक। हाँ हाँ वो सिर्फ गांव में लड़ाने का काम किया है। अच्छा जो भी होता है उसका श्रेय अपनों केंद्रीय गवर्नमेंट का श्रेय अपने लुटता है। हाँ और कुछ नहीं करते। कुछ काम नहीं करवाया क्षेत्रीय विधायक? कुछ नहीं करा अपना गाँव में सिर्फ टीना सेट ही दिया है और कुछ नहीं दिया है। अच्छा। और बोलते हैं हम लोग कराए हैं नल जल योजना का अपना श्रेय लेता है वो। हाँ नहीं कुछ नहीं कराया। क्या योजना है? नल जल केंद्रीय गवर्नमेंट की योजना है। हाँ हाँ तो अपना श्रेय लेते हैं अच्छा। और भूपेश सरकार के बारे में क्या कहना चाहेंगे? भूपेश सरकार तो क्या करे नरवा घरो बाड़ी 15 वित्त के पूरा पैसा खा गए। हम लोगों का सीओ बोलते हैं कि 15 वित्त के पैसा लगाओ 15 वित्त के पैसा। हम पंच है खुद अपने ग्राम डुमदरी में। हम 10 लाख रुपए दे चुके भी अपना 1 रुपया भी अभी तक लगाया नहीं है। पूरा गांव का पैसा जो मूलभूत है 15 वित्त है पूरा पैसा ले जाएगा वो चीज़ हम 10 लाख रुपए। क्या लगता है इस बार बदलाव देखा जा सकता है? इस बार तो बदलाव है ही ना। इस बार बदलाव है, इस बार अभनपुर क्षेत्र में बदलाव भी है। धनेन्द्र साहू जाएगा जरूर और इंद्र कुमार साहू जी आएगा और कमल छा का पत्ता काटेगा। बदलवो धरी कांग्रेस सरकार बदलवो। कांग्रेस के 5 साल और क्षेत्र के विधायक के 5 साल से क्या आप लोग क्या विकास दिखते हैं आप लोग को? विकास तो नहीं दिखा, देखा अभी गोठान में बनाया है तो सब अधूरा पड़ा है वो है। ठीक है कौन से गांव से आया? हम ग्राम दादा जोरी से। और अभी भी तक काम पूरा नहीं हुआ है। सब काम अधूरा पड़ा हुआ है तो हमको मोदी जी को लाना है और हमें भाजपा सरकार छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार बनाना है। क्या क्षेत्र के विधायक काम कैसा है आपके? नहीं ग्रामीण क्षेत्र काम तो नहीं हुआ है। जितना घोषणा की है काम अभी तक नहीं हुआ है। कुछ काम नहीं किया है? कुछ काम हुआ नहीं है अभी। क्या लगता है इस बार अभनपुर क्षेत्र में? अभनपुर क्षेत्र में तो भाजपा विधायक लाएंगे मोदी और केंद्र मंत्री बनाएंगे प्रधानमंत्री मोदी जी को भाजपा सरकार को बनाएंगे। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। आप कहाँ से आए हैं और जो है क्षेत्र के विधायक और कांग्रेस के कार्यकाल से क्या आप लोग संतुष्ट हैं या फिर नहीं है इसके बारे में थोड़ा बता सकते हैं क्या? मैं दीनानाथ साहू ग्राम सिवनी से आया हुआ हूँ है ना। और क्षेत्र के विधायक का तो निष्क्रिय है बुरा। कोई काम नहीं हुआ है, बस वो लड़ाने का काम किए हैं। और यहाँ भाजपा ये सुनने में देखने को सुनने में आ रहा है कि लड़ाने वाली बात जो है क्या है इस मामले में बताएं पूरा भाई। समाज को लड़ाने का काम का समाज को मतलब कैसे? भाई भाई का गांव विवादित जो भी निष्पक्ष वो नहीं करना चाहिए है ना। ये अपना पार्टी वास देख के है ना अपने पार्टी को समर्थन करते हैं और दूसरे को लड़ाते हैं बस। अच्छा उनका काम दिखता है क्षेत्र में? नहीं कोई काम नहीं हुआ है।
एक बार 5 साल का विधायक धनेन्द्र साहू और 2 कार्यकाल का सरपंच इंद्र कुमार साहू, एक बार तोरला जाके देखिए और एक बार बेंद्री जाके देखिए, अच्छा क्या विकास है वो बताएंगे। भूपेश बघेल के कार्यकाल का सर, भूपेश बघेल तो दारू बस बेचने में बस वो किया है, है ना, उसके बाद कोई वो नहीं है बस। जैसे कि अभी धान वान खरीदी भाई, अगर अभी वो जो भी अपना वो करेगा है ना 20 क्विंटल ठीक है, उसको पहले करना था, अभी तो सत्ता में था, अब सत्ता आएगा नहीं आएगा बात की बात है ना, वो तो भविष्य में कोई भी कुछ बोल देगा, आएगा तो बाद में देंगे बोलेगा, अभी तो किया ही नहीं है। इस बार क्या लगता है आपको, आप भाजपा सरकार आएगी या इंदिरा भैया जिंदाबाद है? जी बताएं कि जो है कांग्रेस के जो है कार्यकाल और क्षेत्र के विधायक के कार्यकाल के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? कांग्रेस का जो वादा है, वादा हमेशा से वादा खिलाफी कांग्रेस किया है, साथ ही साथ हमारे जो क्षेत्र के 4 बार से विधायक रह चुके धनेन्द्र साहू, उनका कार्यक्रम कार्यकाल एक समय था कि जब मध्य प्रदेश शासन था उस समय भी मंत्री रह चुके हैं, अभी तक ऐसा हुआ कि कांग्रेस के सरकार बैठने के बावजूद उसको एक लायक का पद नहीं दिया गया, क्योंकि वो लायक नहीं है इसी कारण से उसको पद नहीं दिया गया। अभी 2 बार से वो विधायक हैं हमारे क्षेत्र से अभनपुर से, फिर भी किसी भी जगह पे जाके देख लो, नाली में देख लो, कहीं भी देख लो, इतना गंदगी है, सफाई है, सफाई का कुछ व्यवस्था नहीं है, यानी कि कार्य पूर्णतः ढंग ढप हो चुका है और ऐसा है कि उसका विकास कुछ दिख नहीं रहा है हमारे क्षेत्र में। तो अब क्या जनता ये चाह रही है कि परिवर्तन, क्योंकि उनका कार्यकाल हमने 4 बार देख चुका है, 20 साल से देख चुके हैं, अब ऐसा है कि युवा चेहरा हमको भी चाहिए, युवाओं का जो प्रधानमंत्री यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो है युवा, हमारे युवा को मौका दिया गया है, इसलिए हम हमारे क्षेत्र में श्री इंद्र कुमार साहू जी को हम पूर्ण बहुमत से जिताना चाह रहे हैं और उनको सपोर्ट कर भी रहे हैं और उनको करना भी चाहिए, क्योंकि वह युवा नेता है, साथ ही साथ सरपंच रह चुके हैं, सरपंच है अभी, साथ ही साथ जनपद सदस्य रह चुके हैं, उनका कार्य इतना जबरदस्त है, उसके गांव केंद्रीय में भी जाके देखने से समझ में आता है कि उसके गाँव में एक एक गली में कंक्रीटीकरण, तालाब में सौंदर्यीकरण, इतना जबरदस्त कार्यक्रम उनका है और सरल स्वभाव के हैं, बहुत ही जबरदस्त सरल स्वभाव के, तो इस कारण से हम चाह रहे हैं कि सरकार की 5 साल जो है अभी कार्यकाल के बारे में क्या कहना चाहेंगे? भूपेश सरकार की 5 साल सिर्फ वादा में ही चला गया, वादा खाली वादा किया, ये करेंगे, लेकिन जमीनी स्तर में कुछ नहीं हुआ, वो सिर्फ वादा ही खिलाफी किया है। जमीनी स्तर में क्या नियमितीकरण का बात किया गया था हमारे युवाओं के लिए, अभी तक नियमितीकरण नहीं हुआ, ठेका प्रथा बंद करने का बात हुआ था, ठेका प्रथा भी बंद नहीं हुआ, साथ ही साथ शराबबंदी के लिए गंगा जल, हम जो पवित्र गंगा जल को मानते उस गंगा जल का कसम खा के भी उन लोगों ने अभी तक शराबबंदी नहीं की, उसी से उनका काम चल रहा है, उसी से उनका पेट भर रहा है इस स्थिति में, है ना। और गौठान नाम से गौठान है, लेकिन गौठान में कुछ होना जाना कुछ नहीं है, नरवा गरवा घुरवा बारी का बात करते, गरवा देखिए आप किसी भी रोड में देख लीजिए, इतना गाय गरवा पड़ा है, बैठे बैठे हैं कि गाड़ी चलाने में भी दिक्कत हो जाता है, बहुत एक्सीडेंट हो रहा है उस कारण से, ऐसा स्थिति है। क्या लगता है इस बार परिवर्तन बिल्कुल है ना, भाजपा की सरकार आएगी और पूर्ण बहुमत के साथ में आएगी, विधानसभा भी पूर्ण बहुमत के साथ में आएगी और हमारे क्षेत्र से भी इंद्र भैया जीत कर आएंगे। केंद्र की 10 योजनाओं का नाम बता सकते हैं क्या? केंद्र की 10 योजना के नाम बिल्कुल, अपना सुलभ शौचालय का है, सफाई कर्मी का है, गैस एजेंसी का है ना, और गंगा नवामी गंगे का है, और उतना ही लगभग, यानी कि और बता सकता हूँ, नल जल योजना है, घर घर है ना, है ना। ईश्वर साहू ग्राम बिरोधा निवासी। आइए बताओ क्या क्षेत्र में विकास हुआ है? कोई क्षेत्र में विकास नहीं हुआ भैया। हाँ क्या लगता है इस बार बदलाव हो सकता है? बदलाव बिल्कुल है। कौन आ सकते? अपना यही बीजेपी वाला आएंगे। कौन है बीजेपी? हैं इंद्र कुमार साहू। इंद्र कुमार साहू जी। कौन कौन सी योजनाओं का लाभ मिला है केंद्र और राज्य का? अब राज्य का क्या मिला भैया, कुछ नहीं मिलता हम लोगों को, खेती खार वाले को मिलता है, हमको क्या मिलेगा? केंद्र की कौन कौन सी योजनाओं का लाभ मिला है? कुछ नहीं, उधर तो पूरा खा दे रहा ना ये। हाँ तो क्या मिलेगा? कितने योजनाएं हैं केंद्र के? केंद्र की योजना 210 योजना बता रहा है यहाँ पे। 210 योजना? हाँ, उसमें 210 योजना में कितने योजना का लाभ मिला है? कुछ नहीं। बीजेपी का योजना का लाभ भी नहीं मिला है? कुछ नहीं। क्या कारण है? यही कारण क्या है,
इधर तो रोक के रखे ना राज्य वाले। अच्छा ठीक, क्या नाम है? सतनाम दास ढहरिया। कहाँ से? गिरहोला भनपुर। ओके हाँ चलो। गांव में रोड रास्ता ऐसे कोई नहीं बदला हुआ है, जस कहता है वहाँ पूरा जातिवाद चल रहा है। कैसे टाइप का? पूरा जातिवाद है ना वहाँ, कुछ भी काम आता है तो इधर उधर करके अपोजिट, और अवैध खनन बहुत ज्यादा चल रहा है। किस चीज का? मुरुम का। कहाँ पे? गिरहोला। गिरहोला जी। तो इसके शिकायत वगैरह नहीं करते क्या? शिकायत करने पर कोई कार्रवाई नहीं करते, धनेन्द्र साहू उसका खुद अपोजिट कर देते हैं। अच्छा जी, इसलिए ठीक। और कुछ बोलना चाहेंगे? अब क्या बोलूंगा भैया, यहाँ बोलूंगा तो यहाँ पे कुछ वहाँ पे थोड़े ना हो गए। नहीं कुछ तो होगा यार। क्या लगता है इस बार बदलाव आएगा? बदलाव बिल्कुल आएगा इस बार।